हाय फ्रेंड्स, आज हम ट्रेडिशनल यानी कि रिलीजियस फंक्शन जो करते हैं बेंगलोर मुस्लिम्स घरों में, वो आज हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो फंक्शन करते हैं, इसमें रोटी बनाकर इसके बड़े वाले लड्डू बनाते हैं। तो ये करने के लिए एक या दो लोगों के हाथ से नहीं होता, इसीलिए हम पड़ोसियों को इनवाइट करते हैं या फिर रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पर हमने तीन चार लेडीज़ को बुलाया था ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें। तो हमने यहाँ पर पहले आटा गून लिया था। आटा गूनने के बाद इसके बड़े वाले मोटे पेड़े बना लिए थे, अब इसको बेल रहे हैं। तो चलिए, ये बेलने के बाद क्या किया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। तो इसको बेलने के बाद थोड़ा सा ऑयल हमने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये बहुत रेयर रिलीजियस फंक्शन होता है मुस्लिम्स लोगों के घरों में, तो इसीलिए इसको करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं इतना सारा आटा हमने गूंद कर रखा है। तो इतने सारे आटे का हमें बनाना है लड्डू, तो बड़े वाले लड्डू बनाते हैं। तो सारे हम इसके पेड़े बनाकर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, एक और लेडी इसके जो लड्डू में मैं मलीदा बनाते हैं, मलीदा वगैरह डालते हैं, वो बना रहे हैं। तो हर एक लेडीज़ अपने अपने काम में मशरूफ़ हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, मतलब डिफरेंट टाइप के काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये एक हमारे पड़ोसी ने जो मैंने पेड़ा बनाकर रखा था उसको लिया है, अभी वो बेल रहे हैं। बेलने के बाद इसको पकाना पड़ता है। तो ये साइज़ वगैरह इसका कुछ सही वगैरह रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कितने जल्दी जल्दी यहाँ पर काम हो रहा है। तो चलिए, बेलने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से हम पका रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 10 से 20 हमने रोटियां बेल लिए हैं। इसके बाद हम स्टोव की तरफ जाकर इसको पकाना शुरू करेंगे। तो एक साथ 10 से 20 हमने रोटियां बेल कर इसीलिए रख लिया है ताकि खड़कर पकाने में दिक्कत ना हो। तो दो पैन हमने रखा है ताकि ये जल्दी पक जाए। पकाते वक्त थोड़ा ऑयल हमने अप्लाई कर लिया है क्योंकि किचन के अंदर बहुत गर्मी हो रही है। ये धुआंदार रोटी हम बना रहे हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा धुआं रहता है। ये क्या दो रोटी नहीं बनती, इसमें बहुत सारे रोटी बनते हैं इसीलिए बहुत सारा धुआं रहता है। यहाँ पर चिमनी वगैरह की भी सहूलत नहीं थी इसीलिए बहुत सारा धुआं फैल गया था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के हमने सारे रोटी बना रहे हैं। तो जब रोटी बन जाती है तो इसको तोड़ा जाता है हाथों की मदद से, क्योंकि रोटी गर्म थी इसलिए कपड़ा यूज़ कर रहे थे ताकि गर्म ना लगे। तो गर्म रोटी को तोड़ा जाता है, इसके बाद इसको मिक्सी में पीसा जाता है।
इसका बारीक सा एक मलीदा बनाया जाता है। तो इस मलीदे में कुछ और मिक्सचर भी डालते हैं, जैसे कि शक्कर, सूखा खोपरा, खसखस, ये सारी चीज़ें इसमें डालते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी डाला जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें तकरीबन 1 से 2 घंटा लग गया था। तो इसको बनाने के बाद हमने मलीदा भी मिक्स कर लिया था इसमें। इसके बाद इस तरीके से हाथों की मदद से सारे लड्डू बना रहे थे। तो लड्डू बनाते वक्त हाथों से इसको प्रेस करके बनाते हैं ताकि ये टूट ना जाए। तो सारे मलीदे के हमने लड्डू बनाए थे। सब लोगों ने मिलकर इस लड्डू को बनाए थे। तो फाइनली हम बताते हैं कि ये लड्डू कैसे बने हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।